दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए और एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो रिव्यू होने वाला है OnePlus 9RT के गेमिंग का। अब आप ये सोच रहे होगे यार तूने अनबॉक्सिंग तो की नहीं, तू OnePlus 9RT का गेमिंग टेस्ट कहाँ से लाया, OnePlus 9RT डिवाइस आया कहाँ से तेरे पास। एक्चुअली गाइज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अनबॉक्सिंग्स नहीं करूँगा फोन की, क्योंकि फोन की अनबॉक्सिंग सब करते हैं बट प्रॉपर रिव्यू 90% लोग नहीं करते हैं, केवल 10% ही हैं जो प्रॉपर रिव्यू करते हैं। तो मैं सिर्फ रिव्यूज पे फोकस करूंगा, अनबॉक्सिंग्स पे फोकस नहीं करूंगा। इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं OnePlus 9RT का गेमिंग रिव्यू। एक महीने से ये स्मार्टफोन मैं यूज कर रहा हूं और एक महीने मैंने लगातार इसमें BGMI खेला है और आज कंप्लीटली मैं आपको अपना रिव्यू देने वाला हूं BGMI के ऊपर कि OnePlus 9RT कैसा परफॉर्म करता है। इसके अंदर आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर और आपको इसमें मिलता है 40 हैप्टिक मोटर, 600 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट और आपको इसके अंदर मिल जाता है OnePlus प्ले गेम्स का सपोर्ट। और जो चौथी चीज है इसमें आपको मिल जाती है जो गेमिंग में काफी सपोर्ट करती है वो है ट्रिपल वाईफाई एंटीना, जो कि कनेक्शन को हमेशा बरकरार रखता है ताकि आपका पिंग डाउन ना हो इंटरनेट की वजह से। अब ये तो चार चीजें आपको मिलती हैं जो कि फोन के अंदर मिलती हैं। पांचवी चीज आपको स्नैपड्रैगन 88 का प्रोसेसर मिल जाता है और स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर जो है वो अपने हीटिंग इशू के लिए काफी ज्यादा यू नो बदनाम है। बट क्या OnePlus 9RT में वो अच्छे से परफॉर्म करता है, क्या जो सभी फीचर्स मैंने आपको बताए OnePlus 9RT में क्या आपको अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, वीडियो में लास्ट तक बन रही है ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल को, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं OnePlus 9RT गेमिंग में कैसा परफॉर्मेंस देता है, क्या क्या सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेटिंग्स में आप ऊपर यहां पे आप प्ले गेम्स कोने से इनेबल कर सकते हैं, मैंने यहां पे इनेबल किया हुआ है। FPS आपको दिखता है, GPU आपको दिखता है, CPU आपको दिखता है, टेम्परेचर आपको दिखता है, टाइम और बैटरी परसेंटेज कितनी बची है वो आपको दिखता है। आपको प्रो गेमिंग मोड देखने को मिल जाता है इसमें कि आप टर्न ऑन करके आप सभी कॉल सभी डिस्टर्बेंस को ब्लॉक कर सकते हो, हटा सकते हो। टच सेंसिटाइजेशन मिल जाता है इसके अंदर, आपको अलग अलग तरीके के मोड्स मिल जाते हैं और मैसेंजर व्हाट्सएप आप चाहो तो वहीं पे यू नो यूज़ कर सकते हो स्क्रीन पे ही। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने ऑन कर दिया है और स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके मैं ये गेम प्ले करने वाला हूँ ताकि GPU पर ज़्यादा से ज़्यादा भार पड़े और फ्रेम रेट पे भी असर पड़े, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जब चलती हैं तो स्टक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ग्राफिक्स के। जैसा कि आप देख सकते हो GPU इस समय 34% 27% पे चल रहा है, CPU 7% यूसेज पे है और लॉबी में जो FPS है वो आपको केवल मिल जाती है 30। तो 30 FPS की लॉबी आपको मिलती है। नॉर्मली ये गेम आपको 40 FPS पे मिलता है किसी भी स्मार्टफोन में, लेकिन अगर मैं OnePlus 9RT की बात करूँ तो ये आपको 60 FPS का गेम प्ले आराम से दे देता है। सबसे पहले मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में अगर आप ध्यान दोगे तो आपको इसमें देखने को मिलेगा स्मूथ पे आप एक्सट्रीम तक खेल सकते हो, HDR तक आप एक्सट्रीम तक खेल सकते हो, लेकिन जैसे ही आप Ultra HD में जाते हो, Ultra HD में जाने के बाद आप आगे एक्सट्रीम तक नहीं खेल पाओगे, केवल आप उसको 40 FPS तक ही खेल पाओगे। लेकिन अगर आपको एक्सट्रीम में खेलना है तो आप HDR और एक्सट्रीम लगा करके फुल सेटिंग्स में खेल सकते हो। 60 FPS तक का आपको इसके अंदर सपोर्ट देखने को मिलता है। 90 FPS का सपोर्ट अभी नहीं दिखाई दे रहा है बट देखते हैं, हो सकता है आगे आने वाले अपडेट्स में OnePlus 9RT में भी आपको 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिले। टच सैंपलिंग रेट काफ़ी अच्छा है अगर आप ध्यान दो गेम प्ले के ऊपर, तो चलिए थोड़ा सा आप गेम प्ले को इन्जॉय कर लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे आपको क्या क्या देखने को मिलता है। कोई पीछे से आ रहा है, मत घुसिए। एक ही था ना, सब तो रहा है। रिकॉल टावर एक यूएस और एक बाइक, आइए जल्दी जल्दी आइए, घास में चलते हम लोग। नहीं नहीं सब कोई आओ, सब कोई आओ, ये गलत था। सामने है बंदे, वो सबको देख। तुम पीछे कहाँ आ रहे हो? अरे वो क्या देख, अरे यार
इधर आ रहा खिड़की में, खिड़की में। अरे यार तुम पीछे आओ थोड़ा। अच्छा मैं चावल पे जा रही हूँ ना, तवा देना। हम जा रहे हैं छत पर। ये चला रहा यार। ये यार ये हम आर दिया क्योंकि मेरे गन नहीं है और उसके पास गन थी। भैया हमको दिया ये तो। कहाँ से मर रहे हो? हाँ छत पे, छत पे। अरे छत नहीं से मर रहा हूँ, बाहर से आना पड़ता है छत के लिए, बाहर से आना। अच्छा तुम बच्चे इसमें है, रूम में है, पीछे वाले रूम में है जहाँ मैं मरी हूँ, गेट के पीछे। तीनों मर गए भैया। बाहर बाइक रखी है। तुम कब मर जा रहे हो? बाइक हम लोग को रिकॉल कर दीजिए। तुम कब मर रहे हो बे? क्या बात कर रहे हो? सबसे पहले मैं मरा हूँ फिर तुम मरे हो। ये बात तो गन भी नहीं थी उससे लड़ने के लिए, वरना उसको पहले मैं ही देता। रोड पे जाइए, रोड पे जाइए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिस्पांस रेट काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय जो जीपीयू यूज हो रहा है वो 74% तक का जीपीयू यूज हो रहा है। हमें 60 FPS 59 FPS का फ्रेम रेट हमको लगातार कंटिन्यूअस मिल रहा है। 58, 59, 60, कभी कभी ये 61 तक भी चला जाता है, कभी कभी ये 50 भी आ जाता है, बट आपको एक एवरेज अगर देखा जाए तो 50-59 FPS का आपको फ्रेम रेट देखने को मिलता है। CPU आपका 17-20%, 18%, 11% ऐसे यूज हो रहा है, मतलब 20% के आसपास आपका CPU यूज हो रहा है, GPU आपका 70% के आसपास यूज हो रहा है, और फ्रेम रेट की बात करें तो कॉन्स्टेंट आपका ये बना हुआ है 59 से 60 FPS पे। तो आपको एक अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। टच सैम्पलिंग रेट भी अच्छा है, हैप्टिक फीडबैक भी आपको इसमें अच्छा देखने को मिलता है। मेरा जो गेमिंग एक्सपीरियंस है इस स्मार्टफोन के साथ वो काफ़ी अच्छा है। आप थोड़ा गेम प्ले का एंजॉय लो, वैसे मैं बहुत अच्छे से नहीं खेल पाया गेम प्ले क्योंकि मेरा जो पोजीशन था जिस पोजीशन में मैं खड़ा होकर के इस वीडियो को शूट करा था वो बहुत ही अनकम्फर्टेबल था, और मैं ऑलरेडी उतना अच्छा प्लेयर हूँ नहीं तो उतना अच्छा मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। बट फिर भी आप गेम प्ले इसलिए मत देखो कि गेम प्ले देख रहे हो, आप गेम प्ले इसलिए देखो क्योंकि आपको इस फोन का परफॉर्मेंस देखना है, और जितने अच्छे से आप गेम प्ले देखोगे आपको उतना अच्छा आइडिया लगेगा कि ये जो फोन है वो कैसा परफॉर्मेंस देता है गेम प्ले के दौरान, कैसे मेरे फिंगर्स काम कर रहे हैं, कैसे जो स्क्रीन का रिस्पॉन्स है वो कितना तेज है कितना नहीं है वो आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो, फुल एचडी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है, तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी। मुझे इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो स्मूथ लगा। मैं इस समय जो गेम खेल रहा हूँ वो HDR प्लस एक्सट्रीम में खेल रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो आपको डिस्प्ले भी अच्छा देखने को मिल जाता है, तो ब्राइटनेस फुल करने पे एकदम साफ चीजें समझ में आती हैं, कोई आपको दिक्कत समझ में नहीं आती है। स्क्रीन की ब्राइटनेस भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। फुल ब्राइटनेस अगर आप खेलोगे तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा, और जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो कुल मिला जुला करके अगर मैं आपको बताऊं तो गेमिंग एक्सपीरियंस मुझे इसमें काफ़ी सही लगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने कंप्लीट गेम प्ले देख ही लिया और आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से OnePlus 9RT जो है वो परफॉर्म करता है गेमिंग में। अब मैं प्रैक्टिकली बात कर लेता हूँ OnePlus 9RT में जो प्रोसेसर यूज होता है Snapdragon 888, वो एक हीटिंग प्रोसेसर है जो काफ़ी हीट होता है। इसके लिए बदनाम हो चुका है कि जितने भी फोन्स में ये अब तक आया है बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस किया है इसने। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने एक महीना इस फोन को कंटिन्यूअसली गेम खेला, लगभग डेली 2-3 घंटे मैंने इसको खेला ही खेला है। मैंने अपना खुद का क्लाइंट बना लिया, उसी में मैंने मेरा गेम प्ले भी अब इम्प्रूव हो चुका है। अगर मैं पहले से और अभी का कंपेयर करूँ तो काफ़ी गेम प्ले भी इम्प्रूव कर चुका हूँ मैं। तो कुल मिला जुला करके मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है स्नैपड्रैगन 888 के साथ वो हीटिंग का बिल्कुल नहीं रहा है। हीटिंग का इशू मुझे इस फोन में बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। वही नॉर्मल हीटिंग यार, कोई भी फोन अगर आप 2-3 घंटे खेलोगे तो थोड़ा बहुत तो हीट हो ही जाता है, उतनी ही हीटिंग मुझे मिली है। बाकी इसके पहले जो स्नैपड्रैगन 888 के फोन थे उसमें हीटिंग का इशू था, तो उसको काफ़ी अच्छे से OnePlus ने मैनेज किया है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ निकल के आई है। OnePlus 9RT गेमिंग के लिए एक अच्छा पैकेज आपको मिलता है। तो अगर आप एक गेमिंग स्मार्ट
स्मार्टफोन बाय कर रहे हो और आपका बजट 40,000 के आसपास है तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ OnePlus 9 RT आपको बाय करने के लिए फॉर गेमिंग। दोस्तों इसका फुल रिव्यू भी बहुत ही जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ, एक दो दिन तीन दिन आप वेट करिए, इसका फुल रिव्यू आ जाएगा कि ये जो स्मार्टफोन है वो टोटल ओवरऑल कैसा परफॉर्म करता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वो हेल्पफुल वीडियो जरूर मिले। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।